नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। मौसरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद फारूक नगर के साकिन असमा बेगम, जिसकी शादी को 15 महीने हुए हैं, उनका कहना है कि इन 15 महीनों में इनके शोहर मोहम्मद आफाक और इसके घर वालों ने लगातार हरासा कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद आफाक ने क्राइम टुडे न्यूज़ से मुखातिब होकर कहा कि असमा बेगम के लगाए हुए सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद है। बहरहाल, क्राइम टुडे न्यूज़ फलकनुमा पुलिस से ये अपील करता है कि इस मामले पर खास तवज्जो करे और इनके बीच काउंसलिंग करके असमा बेगम और उनके शोहर मोहम्मद आफाक के बीच सुलह करा दे। सैयद अरशद और शेख वाहिद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, फलकनुमा पुलिस हदूद में एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद आफाक है, ये शख्स अपनी बीवी से परेशान है और साथ ही साथ इनको बस्ती के कुछ रोडीज और हुंडेस मिलकर इस कदर परेशान कर रहे हैं। ये शख्स क्राइम टुडे न्यूज़ से मदद की अपील मांगता है। आइए तफसीलात पूछते हैं। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद आफाक है, मैं फसलान सर सैयद नगर नंबर 2, वहाँ की मेरी पैदाइश। मैं यहाँ एक लड़की से निकाह किया बिना किसी लेन देन, बिना किसी शरायत के साथ। 3 तोले सोना, 3 जाती गाड़ी थे मेरे पास। लड़की से निकाह करने के बाद गैर ज़रूरी जो है ज़हनी हरासमेंट हुआ इनके वालदा को। मैं इनके घर पर लीगल नोटिस करा, मेरे घर से बगैर इजाज़त चले गए, यहाँ पर आके रहने लगे। माँ जो है बच्ची को डरा के मेरे पास भिजाने के बजाय अपने घर पर रख लिए और उसके बाद जो है मेरे ऊपर हरासमेंट शुरू कर दिए। मैं उनके साथ 4 महीने नहीं रहा, घर पे सामान सब छोड़ दिए। उसके बाद भी जो है वो किराए के मकान में था, सामान का मैं जो है किराया दिया। अब मैं कुछ कर्जा देना है वो तो मैं शाम में नौकरी से तनख्वाह मिली तो यहाँ पे आके इनको पैसे दिया तो वो तनख्वाह मेरे से छीन के और रोड़ी चढ़रों को जमा करके जो है मारने के लिए बोला है। और जो है मैं ये लीगल नोटिस भी भिजाया हूँ ये शिवम रोड पे मोमिन रोशन जमीर एडवोकेट साहब के ज़रिए से क्रिमिनल कोर्ट से जो यहाँ पे नोटिस भी जाया। उसके बाद भी जो है इनकी माँ जो इनको डरा के नहीं भी जाए। आज शाम में जो है 2 महीने के बाद मैं 2 महीने इनका खर्चा पूरा पानी दे रहा हूँ। यहाँ के आज़ाद दफ्तर में भी जाके बोला तो मेरे साथ में जो है ज़बरदस्ती मारन तोड़ी के लिए लोगों को जमा करो। इनकी माँ बोले तेरे टांगा आता तोड़ा देती हूँ मैं। वो 12-15 जो है रोड़ी शटरों को बुला के जो है मारने के लिए आए हैं। ज़रा बराए मेहरबानी है आप जो जो हजरात देख रहे हैं थोड़ा हमारे साथ जो है कॉपरेट करें। ये हालात जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रहे हैं हमारे को। नाज़रीन, तफसीलात आपने सुनी है कि ये शख्स इस कदर परेशान है, यहाँ फलकनुमा पुलिस हदूद में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर ये शख्स जाए तो जाए कहाँ? क्राइम टुडे न्यूज़ से अपील करता है कि ऐसे कुछ पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप हमारा स्क्रीन पे दिखाए गया हुआ नंबर पे रब कीजिए ताकि हम आपकी कंप्लेंट को आला से आला अहदेदारों तक पहुँचाए। मैं सैयद अरशद, शेख वाहिद के साथ क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।